श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पहले समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका का समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के तकरीबन 36 साल पहले समुद्र में समा गई थी। द्वारका नगरी के नष्ट होने की आखिर क्या वजह रही होगी? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वह दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित हैं। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, वारी दुर्ग, अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित यह द्वारका चार धामों में से एक धाम और सात पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका दो हैं, एक गोमती द्वारका धाम है और दूसरा बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज आरंभ की गई थी। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने का समय अब एकदम नजदीक आ गया है, क्योंकि सन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगर के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। नौसेना के साथ मिलकर चलाए गए इस तीसरे अभियान के शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के प्रयोगशालाओं को भी भेजा गया था, और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक यह नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जान के काफी चौंके हुए थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की थी और 10 मीटर गहराई तक किए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की समुद्र के भीतर पाए गए खंडों में समानता मिलती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं मिलता और यह खंडों की बनावट और स्टाइल से पता चलता है। भारत के समुद्र तकनीकी विभाग के मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि ध्वनि चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का पता चला ही है, साथ ही एक प्राचीन नदी का पता भी लगाया गया है। ये नदी करीब 9 किलोमीटर लंबी है
और इसके किनारे पर ही ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। और समुद्र तल से निकाले गए शिल्प का भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि वो भी करीब 9700 वर्ष पुराना है। ये शिल्प लकड़ियों का है और इसमें दरार पड़ने के चिन्ह हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक दल बनाया है। ये भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके के दूसरे प्राचीन स्थानों से इसका क्या संबंध है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का काम पिछले कई वर्ष से रुका पड़ा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक एके सिन्हा ने कहा, पानी में खोज के कार्य के लिए बड़ी आधारभूत संरचना की जरूरत है। प्राचीन द्वारका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और काफी संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की जरूरत होती है, जो पानी में गहराई तक जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी रहे डॉक्टर एस आर राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के समुद्री पुरातत्व शाखा में काम करते हुए द्वारका नगरी से जुड़े रहस्यों पर काफी खोज की। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से प्राचीन द्वारका नगरी का पता लगाया गया और कुछ अवशेष एकत्र किए गए। भारतीय नौसेना की मदद से द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर एके सिन्हा ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर आनंद वर्धन के अनुसार महाभारत काल से अब तक पुराणों, धर्म ग्रंथों एवं शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा, महाभारत में एक जगह पर द्वारका समासाध्यम वर्णित है। विष्णु पुराण में भी एक स्थान पर कृष्णात दुर्गम करिष्यामि का जिक्र किया गया है। प्रोफेसर राव के खोज के कार्यकाल में समुद्र के भीतर द्वारका में 560 मीटर की लंबी दीवार और साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले हैं, जो 3000 ईसा पूर्व के हैं। अच्छी खबर यह है कि द्वारका नगरी की खोज 4 महीने पहले फिर से शुरू की गई है। जहां खोज चल रही है उस इलाके को खंबात की खाड़ी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी में ऊंची समुद्री लहरों की वजह से खोज में बाधा पहुंची है। वहां समुद्र की लहरें 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। इस वजह से समुद्र तल का अध्ययन करना भी काफी मुश्किल है। चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्र वैज्ञानिकों ने कहा है कि समस्या से निपटने के लिए उन्होंने ध्वनि चित्रों का सहारा लिया। समुद्र तल में छिपे शिल्पों को निकालने के लिए निकर्षण उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खंबात की खाड़ी के द्वारका नगरी के खोज को भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किया जाएगा, जो कि बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।